दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को हल्की ठंड के बीच दोपहर में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश होने के आसार नहीं है। पिछले सप्ताह ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के विदा होने की बात कही थी, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। उधर बारिश थमते ही दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी लेवल 150 के आसपास पहुंच चुका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के हालात अभी से ही खराब होने लगे हैं। बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून अमूमन 17 सितंबर के बाद से लौटना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार मानसून देरी से लौट रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार मानसून देरी से आया था, इसलिए देरी से लौट रहा है। पिछले सप्ताह ही मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने पूर्वानुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में 9 से 11 अक्टूबर के बीच हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। इसके चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन उमस बढ़ जाएगी। इस बीच इसी मंगलवार को सीजन का पहला कुहासा दिल्ली के कई हिस्सों में दिखाई दिया। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे तक दिल्ली कैंट, धौला कुआं, सरदार पटेल मार्ग पर हल्का कुहासा दिखाई दिया। इस तरह का मौसम आने वाले दिनों में भी देखा जा सकेगा। मौसम विभाग की माने तो आगामी 15 अक्टूबर के बाद दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद दिवाली के बाद ठंड के साथ वायु प्रदूषण में भी जबरदस्त इजाफा होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।